आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। खरगोन से ब्रेकिंग न्यूज। खरगोन में पत्थरबाजों एवं दंगाइयों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां की निरस्त। रात की आगजनी के बाद दंगाइयों पर प्रशासन और सख्त। अब तक 95 उपद्रवी गिरफ्तार। 40 मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई। बिस्टान रोड पर शिव शक्ति मैरिज गार्डन के पीछे एक बेकरी पर आज मामा के बुलडोजर की कार्रवाई। आईजी ने कहा, दंगाइयों के खिलाफ जारी रहेगी सख्त कार्रवाई। खरगोन से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, अभी लगातार हमारी बसें भी जारी है और सभी संवेदनशील क्षेत्रों में हमारा कार्य शांति बनी हुई है। अभी तक जो है वो 95 लोगों की गिरफ्तारी इसमें की जा चुकी है और लगातार हम आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं। सर, कल एक अखबार में आज छपी है कि 100 लोगों का पलायन हो गया है, क्या ये सारा मामला? देखिए, खबर में ये छपा था कि 10 बसें जल्दी थी। कल रात जब ये घटनाक्रम हुआ तो हम खुद ही उस स्पॉट में थे और जब हम उस स्पॉट पर रात 11:30 बजे पहुँचे तो तब तक एक बस को आग बुझाने का हम लोग कार्रवाई कर रहे थे। तो ये जो 10 बस जलने की खबर है, सार्थक पूरी तरह से 10 बस जलना तो नहीं। सर, वो आ रहा है कि पलायन हो गया 100 परिवार। देखिए, इसके बारे में हम अभी अपनी जितनी भी हमारी जाँच है वो लगातार कर रहे हैं। सर, ये अतिक्रमण तोड़ने वाली कार्रवाई अभी और रहेगी जारी? देखिए, चिन्हांकन हो रहा है और मैंने आपको बताया कि हम गुंडों के